देश के साथ ही प्रदेश में 75वां स्वतंत्र दिवस पूरे जोश और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। इसी जोश और उमंग में कुछ जिम्मेदार अधिकारी बड़ी लापरवाही भी कर रहे हैं। बरेली में बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जहां स्वतंत्रता दिवस को गणतंत्र दिवस लिखकर पत्र जारी कर दिया, वहीं औरैया के डीएम कार्यालय ने बहुत बड़ी लापरवाही कर दी। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में आपको जरूर कुछ अटपटा लग रहा होगा। दरअसल औरैया में डीएम कार्यालय की बड़ी लापरवाही के कारण जिला अधिकारी सुनील कुमार वर्मा ने राष्ट्रीय ध्वज को उल्टा फहरा दिया। इतना ही नहीं, जब डीएम ने राष्ट्रीय ध्वज उल्टा फहराया, इस समारोह के जारी वीडियो में कर्मचारी छत पर खड़े होकर फूलों की वर्षा भी करता दिखाई दे रहा है। इसकी तस्वीर के साथ ही वीडियो भी जिला सूचना कार्यालय ने जारी कर दिया। लापरवाही सामने आने के बाद इस वीडियो को डिलीट भी कर दिया गया। वहीं इस पर जिला अधिकारी सुनील कुमार वर्मा का क्या कहना है, सुनिए। सोशल ग्रुप पे जो मीडिया ग्रुप है, उनको जो वीडियो वायरल किया जा रहा है, ये भ्रामक वीडियो है। यह वीडियो 8 बजे से पहले ध्वजारोहण से पूर्व का है, जब हम लोग ध्वजारोहण की टेस्टिंग करते हैं ध्वजारोहण से पहले, और उस टेस्टिंग के दौरान यह देखा गया था कि ध्वज जो है सही से खुल नहीं रहा है, और ये भी दिखा गया कि ध्वज उल्टा लगाया गया था, उसको सही करवाया गया है। और उसके बाद ही विधिवत जो हमारा प्रोटोकॉल होता है, जो राष्ट्रीय ध्वज का प्रोटोकॉल है, उसके अकॉर्डिंग ध्वजारोहण 8 बजे सम्मानजनक तरीके से पूर्ण कराया गया है। यह वीडियो पूरी तरह से गलत है, और ये 8 बजे के पहले जो टेस्टिंग का वीडियो होता है, वो वीडियो है। इस संबंध में सूचना विभाग से हमने स्पष्टीकरण भी मांगा है कि यह वीडियो उन्होंने क्यों वायरल किया और किस तरीके से गलत वीडियो मीडिया तक पहुंचा। जिला अधिकारी सुनील कुमार वर्मा अपनी सफाई में कह रहे हैं कि झंडा टेस्टिंग के दौरान चेकिंग करते वक्त फहराया गया था, और सोशल मीडिया पर यह गलत अफवाह फैलाई जा रही है कि झंडे को उल्टा फहराया गया है। लेकिन जिला अधिकारी जी, सवाल यहां ये भी खड़ा होता है कि जिला सूचना कार्यालय ने ये वीडियो आखिर जारी ही क्यों किया? जिला अधिकारी जी, मामला बहुत ही ज्यादा गंभीर है। औरैया से सूर्य शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।